1930 के दौरान जब पूरी दुनिया न्यूक्लियर रिसर्च के बारे में सोचना शुरू किया, तब भारत के एक विज्ञानी ने इस मौके का लाभ उठाकर भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के विकास में जोर दिया था। उस क्रांतिकारी पुरुष को हम भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक से पहचानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम होमी जहांगीर भाभा के बारे में बात कर रहे हैं। 1909 के 30 अक्टूबर को मुंबई में जन्मे भाभा एक एरिस्टोक्रेट फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने भारत के खदानों में पाया जाने वाला थोरियम को यूरेनियम से ज्यादा अहमियत दी थी न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम में। इस काम के लिए उन्हें एटॉमिक कमीशन ऑफ इंडिया के सर्वप्रथम चेयरमैन बनाया गया था। आज हम ऐसे कुछ रोचक बातें भाभा के बारे में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मात्र 18 साल के उम्र में ही होमी जहांगीर भाभा ने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की, लेकिन कुछ दिनों में ही उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में आ गया था। महान वैज्ञानिक नील बोर के साथ काम करने के दौरान ही उन्होंने क्वांटम थ्योरी के बारे में सबको अवगत करवाया था। इंडिया में वापस आने के बाद 1940 में कॉस्मिक रेस के बारे में रिसर्च शुरू की। सीवी रमन, जो कि उस समय नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक थे, उनके अनुरोध पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, जो कि बेंगलोर में है, अपना बाकी का पढ़ाई पूरा किया। 1955 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, जो सुरक्षित तरीके से एटॉमिक एनर्जी के बारे में था, उनको इसका सर्वप्रथम चेयरमैन बनाया गया था। भाभा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ट्रॉम्बे एटॉमिक रिसर्च सेंटर के प्रतिष्ठाता थे। ट्रॉम्बे एटॉमिक रिसर्च सेंटर को तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनके नाम पर रखा, जो कि आज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। 1956 में उनके नेतृत्व में ही भारतीय वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम प्लूटोनियम बम का निर्माण किया था, जो कि एटॉमिक रिएक्टेंट से जाना जाता है। होमी भाभा पूरी दुनिया में एटॉमिक बम के खिलाफ आवाज उठाते रहे, इसलिए वो भारत में परमाणु बम बनाने के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके अनुसार भारत परमाणु बम के बदले अपने आर्थिक हालात को सुधारे तो वो अच्छा होगा। उन्होंने एक बार भारतीय मंत्रिसभा के कैबिनेट के पोस्ट को ही ठुकरा दिया था। हालांकि बाद में नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री के साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया था। अपनी पूरी लाइफ उन्होंने विज्ञान के खोज में बिता दिया। पूरी जिंदगी बैचलर रहने वाला भाभा का देहांत एयर इंडिया के फ्लाइट नंबर 101 में क्रैश के दौरान जनवरी 24 के 1967 में हो गया। वो केवल 56 वर्ष के थे। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।